गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वापस स्वागत है आपका हमारे चैनल विसन में। मैं हूं समर बसानी। डिस्कस करेंगे आईएएस बाबा के डेली करंट अफेयर्स 24 जुलाई 2018 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राजीव गौबा पैनल के बारे में। तो जानेंगे ये क्या है, मतलब ये सब ये क्या चीज़ होता है, क्या क्या देखते हैं ये सब लोग। तो यहाँ पर जब RGC के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है कि यहाँ पर होता ये है कि RGC क्या करता है, एक मतलब ऑफकोर्स एक कमीशन है, वो लोग क्या करती हैं कि ये लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट बनाएंगी, वो रिपोर्ट ये लोग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को देती हैं, ठीक है। फिर वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ अमेंडमेंट करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, जो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनका हेड होते हैं हमारे यूनियन होम मिनिस्टर, फिर ये क्या करते हैं ये चीज़ को PM को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा सीरीज़ है। यहाँ पे होता ये है कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसके ऊपर बनेगी, तो ये मॉब लिंचिंग जो होता है, रिसेंटली हम लोग इतना सारा आर्टिकल डिस्कस किए हैं तो अभी तक आप लोग का माइंड में क्लियर होगा मॉब लिंचिंग क्या है, मतलब किस चीज़ को लेकर के होता है, तो वो सब आपके दिमाग में अभी तक क्लियर होगा यहाँ पे। इसके अलावा डू यू नो में देखेंगे कि जो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का जो काम होता है वो ऑफकोर्स स्टेट सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लोग ये बोलते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट जो बीच में मतलब सरकार बना के बैठी है वो कुछ नहीं कर रही है, तो वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि पुलिस और जो पब्लिक ऑर्डर है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो वही लोग देखती हैं। यहाँ पर क्राइम लॉ और जो प्रोटेक्शन है लाइफ का या फिर प्रॉपर्टी का, तो वो लोग जो स्टेट है वो देखती है। इसके अलावा और देखा जाए तो SC जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है हम लोग का, वो जो ये चीज़ हो रहा है मॉब लिंचिंग, तो उसको कंडेमन किया, बोला कि ये गलत है। और यहाँ पे उनका ये कहना है कि ये हॉरेंडस एक्ट है मोबोक्रेसी का। मोबोक्रेसी मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, आप लोग दिमाग में क्लियर होगा अभी तक। यहाँ पे ये भी बोला गया कि ये पार्लियामेंट को बोलनी है कि आप लोग सेपरेट लॉज बनाइए, इसको अलग से एक ऑफेंस बनाइए, यहाँ पे इसके ऊपर अलग से लॉ बनाइए, हम लोग देखेंगे उस लॉ को अप्रूव करेंगे, फिर जो एग्जीक्यूटिव है उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पे चलिए ये सब सही है। जो आज सेकंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले वो मेडिकल टूरिज्म के बारे में है। तो जो भारत है वो बहुत बड़ा पॉपुलर देश बन चुका है मेडिकल टूरिज्म के नाम पर। यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे फॉरेनर ऐसे, मतलब जो भी मेडिकल लोग होते हैं जो कि चाहते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना, तो वो लोग आते हैं। हर साल पेशेंट की यहाँ जो तादाद है वो बढ़ते जा रही है। यहाँ पे इसलिए ये होता है क्योंकि कुछ रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला रीज़न ये है कि हमारे पास ऐसा, मतलब जो एडवांस्ड फैसिलिटीज़ है उसका एक गजब का कॉम्बिनेशन है जो कि कहीं और देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बहुत लो कॉस्ट ट्रीटमेंट भारत में हो सकता है और स्किल्ड डॉक्टर्स भी यहाँ पे बहुत अवेलेबल हैं। यहाँ पे टॉप की जो कंट्रीज़ है जो आसपास से आती हैं वो है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इसके अलावा इराक, ओमान, मालदीव्स, यमन, उज़्बेकिस्तान और सूडान से भी यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल ट्रैवल क्या है, एक फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि फॉरेन की जो करेंसी है वो भारत में आके बहुत आराम से यहाँ पे रह सकती है, नीति आयोग का ये कहना है, ठीक है। तो जो ऊपर का स्टेटमेंट मैंने जो बोला वो नीति आयोग का कहना है। आज का जो टॉपिक 3 है जो डिस्कस करेंगे वो है 2017 से 2018 के बीच में FDI इन्फ्लोज के बारे में। RBI का ये कहना है कि कर्नाटका जो है वो बिगेस्ट इंक्रीज दिखाया है अपने FDI के इन्फ्लोज में और वो 300% है। तो जो लास्ट ईयर था उसके अकॉर्डिंगली 300% के FDI इन्फ्लोज को देखने को यहाँ पे मिला है। इसके अलावा देखेंगे तमिलनाडु जो है तो उसका जो FDI इन्फ्लोज है वो घटा है। गुजरात महाराष्ट्र और जो आंध्र प्रदेश भी है ये लोग में भी थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। अब FDI क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, FDI क्या होता है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से। तो यहाँ पे एक ग्राफ है, ग्राफ अगर आप देख लीजिएगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको स्टेट कहाँ पे कैसे लाई करती हैं। इसके अलावा सर्विसेज के बारे में देखा जाए तो FDI कितना कौन मतलब अट्रैक्ट किया है, $1 मिलियन के ऊपर बात की गई है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा डेटा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप ढूंढ सकते हैं अपना शहर और फिर आप चाहें तो एक यहाँ पे कंपेरेटिव व्यू देख सकते हैं कि क्या मतलब कंडीशन है यहाँ पे। इसके अलावा चलिए देखते हैं कि FDI क्या होता है। तो FDI का बात अगर हम लोग करें तो ये बेसिकली FDI तो आप लोगों को दिमाग में क्लियर होगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि फॉरेन फंड जो होता है, कोई बाहर का जो अमाउंट होता है वो जब भारत में आकर के कोई काम से लगने लगता है, एज अ मतलब सपोज कि भारत में कंपनी खुली है तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कोई और वजह से भी भारत में क्या हो रहा है कि वो जो फंड है वो डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं FDI का आना। ये वाइटल पार्ट होता है, किस तरह से मतलब वाइटल पार्ट है ओपन एंड रियल इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का एक बहुत बड़ा वाइटल पार्ट है। इसके अलावा ये कैटलिस्ट है डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपमेंट अगर होता है तो ये मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वहाँ पे FDI हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर है जो कि FDI डिटरमाइन करते हैं कि आपके कंट्री में FDI आने वाले हैं कि नहीं। इसका सबसे पहला अगर हम चीज़ लेके चलें तो पॉलिसी फ्रेमवर्क की, FDI के लिए कैसा पॉलिसीज़ उस कंट्री में अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसा है इकोनॉमिकली और सोशल स्टेबिलिटी कैसा है, यहाँ पे लोग इकोनॉमिकली कितना स्टेबल हैं या फिर सोशली कितना स्टेबल है। यहाँ पे रूल्स के भी थोड़े बारे में बात की जाती है कि रूल्स जो है वो किस तरह के हैं, अगर मतलब यहाँ रूल्स सही है कि नहीं FDI कुछ भी कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए कि किस तरह से फॉरेन एफिलिएट्स जो होते हैं, फॉरेन से आए जो लोग होते हैं या फिर फॉरेन से आई जो भी कंट्रीज होती है, तो उनका किस तरह का स्टैंडर्ड है वहाँ पे और किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉलिसी और फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे पॉलिसी और फंक्शनिंग भी जो है
वो भी बहुत बड़ा मैटर यहाँ पर रख लेती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे किस तरह से इंटरनेशनल एग्रीमेंट लेके चली है वो कंट्री, अगर दूसरे कंट्रियों के साथ देखा जाए कि FDI का एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट के ऊपर ये कंट्री जो है किस तरह से इस्टेब्लिश है, तो उसके उसके ऊपर भी जो बाकी कंट्री हैं वो लोग ध्यान देती है कि हाँ भाई ये जो कंट्री है वो हम लोग मतलब FDI को लेकर के बहुत मतलब ये हैं कि हाँ यहाँ पर जाना सही हो सकता है, हम लोग के लिए सेफ है, यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, तो वो भी कंट्रीज़ आने की यहाँ पर कोशिश करती हैं। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ कैसी हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाता है कि प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ होती क्या है। सपोज़ कीजिए कोई कंपनी आप लेके आ रहे जा रहे कोई और कंट्री में, वहाँ पे आप कंट्री में जब आप लेके गए उस कंपनी को तो आप उसको एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाए कि नहीं ये जो कंपनी है वो पूरे पब्लिक के लिए है, सब लोग यहाँ पे उसको यूज़ कर सकता है, और उसके बाद आपको मन करता है कि उसको मैं प्राइवेट कंपनी बना दूँ, उसको मैं चेंज कर दूँ, तो उसके लिए जो पॉलिसीज़ होती है उसको ऑफकोर्स प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि ट्रेड पॉलिसीज़ के ऊपर भी बात की गई है, यहाँ पे ऑफकोर्स ये ट्रेड पॉलिसीज़ जो है वो FDI जो होता है उसकी जो पॉलिसीज़ है उसके साथ साथ यहाँ पे मैच करना चाहिए, क्योंकि ट्रेड पॉलिसीज़ और FDI पॉलिसीज़ अगर इधर उधर भागेंगे तो लोगों को ये लगेगा या फिर और जो कंपनीज़ और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लगेगा कि यहाँ की मतलब जो लोग हैं वो सीरियस नहीं इस चीज़ को लेकर के, या फिर हम लोग यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा दिक्कत यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। ड्यू में हम लोग ये जानेंगे कि पहले देखें सबसे पहला जो ये है कि यहाँ पे अगर जो माना जाए कि अगर 10 फैक्टर्स पकड़ के चलते हैं लोग कि 10 फैक्टर अगर हैं भारत में FDI का बढ़ने का, तो उसमें से देखा जाए कि सात फैक्टर्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली वो गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स आए हैं रिसेंटली या फिर रेगुलेटरी जितने भी इश्यूज हैं यहाँ पे अच्छे से लेके आए हैं लोग तो उनके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग एक जो स्टेप है वो ऊपर उठ चुके हैं, अगर हम लोग का जो 2017 का जो FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स था उसमें देखने को मिलेगा कि हम लोग एक स्टेप ऊपर जा चुके हैं, हम लोग 8th पोजीशन में यहाँ पे जा चुके हैं, लेकिन 2018 का जो कमिटी है उसका ये कहना है कि हम लोग टॉप 10 से भी नीचे गिर जाएंगे। रीजंस क्या दिए जा रही हैं कि GST जो नया लागू हुआ है तो GST भी स्टेबल नहीं है भारत में, उसके अलावा जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसका काफ़ी खतरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये किसके द्वारा कहा गया है कि तो ये AT Kearney रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगा कि कुछ बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं भारत में, जैसे कि एक हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था उसको हटाया गया है। इसके अपने अपने रीजंस थे, लोग ध्यान में बस ये रखिएगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था उसको हटा दिया गया। अब थिंक करने बोले हैं कि FDI और FII में क्या अंतर है, अगर आप इस पूरे लाइन को अगर आपको सेंटेंस को डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FII सर्च किया तो आपको गूगल में एक बहुत बढ़िया ग्राफ मिल जाएगा, उसमें सब दिया होगा कि क्या अंतर है। मैं आपको फिर भी आपकी हेल्प के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि जो FII होता है उसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, तो इतना आपको जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो भी आप गूगल में चाहे जाएँ तो सर्च कर सकते हैं। इसके अगर ऐसा कुछ होता है कि इंपॉर्टेंट कुछ है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आगे के आर्टिकल्स में आएगा, मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा आपके साथ। मिसलेनियस में देखेंगे यहाँ पे क्या है कि ईरान जो है वो सेकंड बिगेस्ट, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है जो लिखा है वो थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे लगता है प्रिंट हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ ईरान वाज द सेकंड बिगेस्ट ऑल सप्लायर टू इंडियन स्टेट रिफाइनर्स, तो ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए ईरान इज़ द सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर, क्योंकि ईरान बन चुका है यहाँ पे रिसेंटली, यहाँ पे पिछले जो था वो सऊदी अरेबिया था, अभी सऊदी अरेबिया को हटा कर ईरान पावर में आ चुका है। इसके अलावा देखिए कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2018 के द्वारा ये कहा गया है कि जैसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है उसमें ये कहा गया कि अब यहाँ पे देखा जाए कि अभी जो भारत जो अफ्रीका में FDI का इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बहुत कम है, 2016-2017 में देखा जाए तो सिर्फ 14 बिलियन डॉलर है, लेकिन अगर 2011-12 में देखेंगे तो 16 बिलियन डॉलर था उस समय। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा बनाया जाता है ध्यान में रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इतने बातें जो थी वो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थी। अब यहाँ पे मेंस को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, मेंस को लेकर के अगर हम लोग चलें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑन सेक्शन 377 के बारे में बात करेंगे, ये हम लोग तीन बार आज डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी तक ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप लोग को ये चीज़ आ रहा हो। अगर जो यहाँ पे पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे फिर से लेके चलूँगा पूरी तरह अच्छे से। तो यहाँ पे सेक्शन 377 क्या होता है, अगर कोई इंसान कार्नल इंटरकोर्स करता है, मतलब ऐसा होता है कि कोई अपना मन से इंटरकोर्स करे किसी और मैन के साथ, वुमेन के साथ, एनिमल के साथ, ठीक है, अगर वो जो यहाँ पे उनको पनिशमेंट के बारे में बात की गई है, ये मतलब पनिश्ड होगा किस कंडीशन में, अगर ऑर्डर ऑफ नेचर के वो खिलाफ जाएं तब, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का है, मतलब अगर आप किसी और के साथ सेक्स कर रहे हो और वो नेचर के जो ऑर्डर है उसके खिलाफ है तो आप पनिशेबल हो यहाँ पे, और ये जो है ये लाइफ टाइम से लेकर के 10 साल तक, मतलब 10 साल से लेकर लाइफ टाइम तक भी जाता है, और यहाँ पे फाइन भी वहाँ से उनसे लिया जा सकता है। अब सेक्शन 377 ये जो है ये हिस्ट्री में लगभग 500 साल पुराना है। सेक्शन 377 जो है वो ब्रिटेन का बगरी एक्ट 1533 में था हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इस ये जो एक्ट है इसका सबसे बड़ा अगर यहाँ पे नाम उठ के आया जब ये एक्ट बनाने की बात की गई तो ये थॉमस
क्रॉमवेल है, थॉमस क्रॉमवेल जो है इसको कैपिटल ऑफेंस बनाए थे। उसके बाद थॉमस मकैले जो है, यहाँ पे नाम अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इंडिया का आईपीसी, जो ऑफकोर्स इंडिया का जो आईपीसी बनाया है 1860s में जो बना के गए थे यहाँ पे, तो उन्होंने ये बोला था कि इसको डायरेक्टली कोड वो बना दिए थे कि इंडियन पेनल कोड का एक हिस्सा है वो, कुछ डिबेट इसके ऊपर नहीं हुआ था। थॉमस मकैले को हमेशा ये बोला जाता है कि वो भारत में इंग्लिश एजुकेशन लेके आए थे, तो जो इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे जो भी कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि थॉमस मकैले जो हैं उनको हमेशा क्रेडिट दिया जाता है कि ये लोग लेके आए हैं, भाई नहीं लेके आते ज़्यादा बेटर होता, हिंदी सही था। तो इसके अलावा देखा जाए सेक्शन 377 जो इंडियन पेनल कोड का वो फोर्स मैथ 1862 में, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया कि कार्नल इंटरकोर्स जो टर्म है और अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर जो है, ये सही से डिफाइन नहीं किया गया इस कोड में, ये सही तरह से पता नहीं कि ये क्या है। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत तरह का डिफिनेशन में यहाँ पे दिक्कत है, इसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, ये क्या है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, इसमें कुछ बताया नहीं है कि ये किस तरह का चीज़ है, इसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। ठीक है, बैकग्राउंड देखेंगे क्या, हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे पूरा, एक द हिंदू का आर्टिकल था उसमें अच्छे से हिस्ट्री करके दिया हुआ था, यहाँ भी उसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इतना हिस्ट्री तो अभी तक हम लोग जान लिए। इसके अलावा 2009 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया, ठीक है, आप लोग बताइएगा किस तरह का, हम लोग उस दिन भी डिस्कस किए थे एक, और जो हम लोग डेली क्विज का हम लोग का जो वीडियो आता है उसमें क्वेश्चंस भी था इसको लेकर के, तो आप बताइए कि कौन सा जजमेंट था, किसके खिलाफ जजमेंट था, तो वो आप बताने की कोशिश कीजिए कौन वर्सेस कौन का जजमेंट था इसमें। ठीक है, यहाँ पे अब आगे बढ़ जाते हैं, 2009 का एक लैंडमार्क जजमेंट था, उसमें क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो सेक्शन 377 को बोला कि ये फंडामेंटल जो राइट है हम लोग का, उस आर्टिकल जो भी आर्टिकल 13(1) में जो दिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट है। इसके अलावा देखा जाए तो ये किसी तरह से वायलेट करता है जो आर्टिकल 21 जो है प्राइवेसी और डिग्निटी वाला राइट को, इसके अलावा जो राइट की इक्वालिटी है हमारा आर्टिकल 19(1) को, और इसके अलावा आर्टिकल एक्सप्रेशन जो है और आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 ये सब को हमारा जो है वो वायलेट करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जजमेंट है बेसिकली, हम लोग जो ये आईपीसी का जो हिस्सा है यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये हम लोग लेके चलते हो तो यहाँ पे एलबीजीटी की जो कमेटी है, जो भी हमारा लेस्बियन गे ये जो कम्युनिटी होता है, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो इस कम्युनिटी में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको हम लोग स्पेशली उसको उस कम्युनिटी को टोटली क्रिमिनलाइज कर देंगे, वो जो सेक्शन है वो टोटली क्रिमिनल है, तो ये जो है वो गलत है। यहाँ पे समरी में ये बोला गया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो बोलता है कि सेक्शन 377 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन 4 साल बाद क्या हुआ कि 2 जज का एक बेंच था वो सामने उठ करके आया और उसने क्या किया कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको ओवर रूल कर दिया, बोला कि वो जो है लीगली सस्टेनेबल अनसस्टेनेबल है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बेंच है वो बस टेक्निकल और लिटरल व्यूज लिया और वो ये काम कर दिया, सोचा नहीं कि मतलब इसका क्या जो है वो परिणाम हो सकता है। अब यहाँ पे बोला ये जाता है कि एक साइड में 2 साइड यहाँ पे दिया हुआ सिक्का का, 2 पहले बोला गया, पहले तो लिटरल्स के बारे में, ये लिटरल्स ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्स को हमेशा पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, ठीक है, और जो भी पार्लियामेंट के लॉ बनाना चाहिए यहाँ पे जुडिशरी जो है उसको इन्फोर्स करेगा, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के ऊपर है कि पार्लियामेंट लॉ को चेंज करता है कि नहीं चेंज करता, जुडिशरी होने वाला कौन है। दूसरा यहाँ पे प्रैग्मास्टिस के बारे में कहा गया, तो प्रैग्मास्टिस क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि मतलब एक तरह से बोला जा सकता है मौका परस्त जो लोग होते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, वो लोग अपना जो वैल्यूज़ होता है या फिर अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो तभी तक मतलब फॉलो करते हैं। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास एक वैल्यू है, मैं कुछ वैल्यूज़ को लेकर के अपना लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, तो वो लोग के साथ ऐसा होता है कि वो लोग उस वैल्यू को तब तक मानेंगे जब तक वो वैल्यू उनके अगेंस्ट ना जा रही हो, जैसे ही वो चीज़ उनके अगेंस्ट जाती है वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ये जो टर्म को मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, इसके अलावा देखते कि वो लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि पार्लियामेंट जो हमारा जुडिशरी है उनको ये देखना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है वो सही से काम, मतलब 150 साल पुराना ये हमारा एक लॉ है, ठीक है, अब इसको ये चेंज करना चाहते नहीं चेंज करना चाहते, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर ये जो ये लोग क्लियर नहीं है तो जुडिशरी का ये काम है कि जुडिशरी उठ के और इसको सही करे, ठीक है। तो यहाँ पे और देखते हैं कि 172nd जो रिपोर्ट था जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था वो रिकमेंड किया था कि हम लोग इस जो 377 कोई सेक्शन है उसको डिलीट कर दें, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया उस समय जब 172 रिपोर्ट हमारा आया था। और इस मंथ हम लोग पढ़े हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला कि बहुत लोग रस्ते में उतर के आए, बहुत लोग वहाँ पे PTI जो पिटीशन है वो फाइल किए कि नहीं आप लोग जो है वो गलत करें, उसको चेंज कर देना चाहिए यहाँ पे। अब न्यू बेंच का ये कहना है कि अगर जो सेक्शन 377 जो है उसको टोटली हम लोग हटा देते हैं तो कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाएगी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कॉन्सेंशुअल जो चीज़ है जो मतलब कॉन्सेंट होता है इंसान का वही यहाँ पे मेन है, अगर आप कॉन्सेंट नहीं होगा किसी और का तो यहाँ पे फोर्सिंग वाली बात हो जाएगी कि आप किसी को भी फोर्स कर सकोगे, ये चीज़ ये हो गया, ठीक है।
सेकंड ये है कि एक और चीज़ हो रहा है यहाँ पे, अगर इसको रखते हैं हम, जिससे क्या होता है, एक जो पूरा ग्रुप है पीपल का वो फियर में रहता है, उनका जो डिग्निटी है उसको हर्ट कर रहा है, जो राइट टू चॉइस, राइट टू प्राइवेसी है उसको हर्ट कर रही है। तो ये मतलब बहुत ही कंडीशन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे ये जो बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है, इसमें हम लोग एक चीज़ यहाँ पे बहुत मतलब क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे वही सब चीज़ जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, सब पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे एक बहुत सही चीज़ लिखा है, यहाँ पे जो द ऑर्डर ऑफ नेचर जो टर्म लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग बस सही तरीके से डिफाइन करते हैं। वहाँ पे ये लिख देखिए, जो LGBT की जो कम्युनिटी है वो ऑर्डर ऑफ नेचर के अगेंस्ट नहीं है, बस सारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कनेक्टिंग द डॉट्स के ऊपर हम लोग देखेंगे तो इंडिया, इन इंडिया सेक्शन 377 ऑफ द IPC वॉज इंट्रोड्यूस्ड नॉट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एक्जिस्टिंग इंडियन वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, बट रादर इट वॉज इम्पोज ऑन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू द मोरल वैल्यूज ऑफ द कॉलोनाइजर्स। इंडियन सोसाइटी प्रायर टू एनैक्टमेंट ऑफ द IPC हैड अ मच ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी कमेंट। तो ये आपको आंसर देना। इसके अलावा डू यू थिंक द कंसेंशुअल आइडियल्स ऑफ द इक्वलिटी एंड जस्टिस हैव बीन कम्प्रोमाइज्ड बाय द क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। डिस्कस द इशू इन लाइट ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग सेक्शन 377 ऑफ द IPC। तो इसका आपको आंसर देने की कोशिश करना है। आज जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नेशनल सोशल इश्यूज के ऊपर। तो इंडिया का हाईवे कमीशन, आप लोगों को पता होगा हाईवे कमीशन जो बिल है वो कैसा है, वो क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आज फिर से डिस्कस करने वाले। तो रिसेंटली देखने को मिला कि जो MHRD हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो वो एक ड्राफ्ट पुट की कि हम लोग को हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो HECI एक्ट जो है वो लेके आना हो जाएगा 2018 का, और उसको जो ये जो एक्ट है वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज कमीशन एक्ट जो है उसको रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे चलिए और आगे जान लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे बहुत लंबा यहाँ पे बात लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट लेकर के चलेंगे इसको। तो यहाँ पे ये कहा गया कि हम लोग को ऐसा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो पढ़ाई लिखाई है वो हमेशा जो हाई एजुकेशन है वो सही ऑफकोर्स होना चाहिए। जो UGC था ऐसा कंडीशन में था कि UGC सही से काम नहीं कर रहा था। अगर देखा जाए तो UGC जो है वो किसी तरह से मतलब काम चला दे रहा था, लेकिन सही तरीके से जो काम है वो यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा एक ज़रूरत पड़ जाता है कि हम लोग HECI लेकर के आए और फिर वो जो है वो सही स्टैंडर्ड्स और सही मेंटेनेंस सब सामने लेकर के आए, वो सही तरीके से काम करे। तो UGC जो एक्ट है वो 1956 का एक्ट था और अब उसको रिप्लेस करने वाला है 2018 में जो है ये एक्ट, ठीक है। अब डू यू नो, में जानेंगे कि UGC जो है वो नवंबर के महीने में 1956 में फॉर्म किया गया था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी था। अब क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये एक एक्ट से अपना पावर लेता है। और यहाँ पे ये भी जानेंगे UGC जो है वो अभी इकलौता ऐसा एजेंसी है जो कि ग्रांट देता है कि हाँ भाई ये जो एक इंस्टीट्यूशन है वो एक यूनिवर्सिटी है, तो उसका जो ग्रांट है वो UGC ही देता है। तो यहाँ पे UGC का जो मैंडेट है वो इंक्लूड करता है कि वो प्रमोट और कोऑर्डिनेट करता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। इसके अलावा वो मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स को, किस तरह से टीचिंग एग्जामिनेशन और रिसर्च का जो स्टैंडर्ड वो मेंटेन होता है। यहाँ पे फ्रेम करता है वो लोग किस तरह से रेगुलेशन होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या क्या एजुकेशन के होने चाहिए, तो वो लोग ये फ्रेम करता है। वो लोग मॉनिटर करते हैं किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छा लिंक दिखाते हैं किस तरह से यूनियन स्टेट गवर्नमेंट जो है और जो हायर लर्निंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर इंस्टीट्यूशन हैं, तो उनके बीच में अच्छा सा एक मतलब कंडीशन होना चाहिए कन्वर्सेशन का, तो वो ये चीज़ एक फैसिलिटेट करता है ये जो हमारे UGC है। इसके अलावा ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है कि किस तरह से आप लोग अच्छे यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सही तरीके से और आगे जाके लेके आ सकते हो। तो फ्लॉज क्या क्या है जो HECI में है, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। HECI का जो बिल आया है तो उसमें क्या क्या फ्लॉज है उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ ऐसे फ्लॉज जो देखने में लगेंगे कि यार ये तो लगता है कि HECI को ऐसे ही बना दिया कि मतलब कोई बच्चा उठ के ये बना दिया ये लॉज, इस तरह के यहाँ पे फ्लॉज है कुछ देखने को मिलेंगे हम लोग को। तो यहाँ पे ये बोला गया कि बोला तो ये जा रहा है कि एक अच्छा यूनिवर्सिटी का ये पावर होना चाहिए कि वो ऑटोनॉमस होना चाहिए। जैसे कि हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस देखें तो IOE हम लोग को मिला था, तो उसके बारे में हम लोग बात किए। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमस कर दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं यहाँ पे जो हमारा जो नया बिल आने वाला उसमें, जैसे यहाँ पे बोला गया क्लॉज 15(3), इसमें ऐसा देखा जाए कि ये जो क्लॉज है वो सेक्शन 12 जो UGC का क्लॉज था उसमें उससे सेम मिलता है। मतलब क्या है कि दोनों ही कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पे जो हमारा जो कमीशन है उसके पास बहुत पावर रहेगा, जो यूनिवर्सिटीज है उसमें पावर उतना नहीं रहेगा। यहाँ पे ये भी बोला गया कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे बोला जाए तो स्टैंडर्ड्स जो हमेशा ली डाउन तो कर दिया जाता है कि जो, लेकिन जो कोशिश है वो हमेशा IITs या IIMs के ऊपर नहीं की जाती है, तो ये जो है वो थोड़ा सफोकेटिंग हो जाता है। इसके अलावा ये जो ड्राफ्ट बिल है, यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च NCHER 2012 जो है
वो सब बोला था कि एक सेपरेट बॉडी होना चाहिए कि हम लोग को फंड्स देने के लिए, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि ये जो जब HECI का जो बिल है उसमें ये बोला गया है कि जो फंड है वो जो MHRD जो है वही देगा फंड्स, तो ये जो बॉडी है वो फंड नहीं देने वाला है। इससे क्या होगा, एक चीज़ आप लोग को पता चलने यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में बहुत पावर आ जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो फंड एलोकेट कर सकता है, तो उसके हाथ में बहुत पावर है कि वो लोग किस तरह से फंड एलोकेट करेगा, और फिर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका पावर बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा और देखेंगे कि नेशनल नॉलेज कमीशन एंड यशपाल कमेटी ये बोला है हमारा कि हम लोग को सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी होना चाहिए, जो कि मतलब रेगुलेट करे किस तरह से पढ़ाई लिखाई हो रहा है। लेकिन प्रेजेंटली देखा जाए कि 13 वो रेगुलेटरी यहाँ पे बॉडी है। यहाँ पे ऐसे एग्जांपल दिया गया कि एक इस ड्राफ्ट में कहीं भी टेक्निकल एजुकेशन का जो वर्णन है तो वो नहीं किया हुआ है, लेकिन हम लोग को पता हो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है तो उसके बारे में कुछ यहाँ पे वर्णन नहीं है। तो इस तरह से है कि मतलब एक दूसरे से कोई लिंक्ड नहीं है, कोई एक सेंट्रल कोई मेन चीज़ नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक्रीडेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है यहाँ पे। तो जो एक्रीडेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2012 का, तो वो बोला था कि एक अलग से एजेंसी होना चाहिए एक्रीडेशन के लिए, लेकिन वो भी यहाँ पे अलग से एक्रीडेशन को यूनिवर्सिटी आया नहीं। तो और ये क्या हुआ कि HECI बिल के तहत ही एक सबॉर्डिनेट बॉडी बन के रह गया। UGC जो है ये स्पेसिफाई करता है कि जो डिग्रीज़ है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी ही दे सकता है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं वही जो है वो डिग्री दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जो HECI बिल है उसमें है कि कोई भी मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लोग डिप्लोमा डिग्री ये सब दे सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब ये जो है वो थ्री फॉलोअर सिचुएशन हो गई कि हर कोई ये काम कर सकता है। इसके अलावा देखिएगा कि जो UGC है वो एम्पावर करता है सेक्शन 22 और 3 में कि डिग्री डिफाइन होता है वहाँ पर, डिग्री किस तरह से डिफाइन होता है उसको नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, मतलब उसमें कौन कौन से जो डिसिप्लिन है वो इंक्लूडेड है। इसके अलावा यहाँ पे उसका ड्यूरेशन भी डिफाइंड होता है, लेकिन जो जो प्रेजेंट ड्राफ्ट है ये कोई प्रोविजन वैसा नहीं रखा है कि हम लोग को कोई स्पेशल टाइम फ्रेम होना चाहिए, फिर कोई स्पेशल नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे और भी देखने को यहाँ पे चीज़ मिलेगा, एफिलिएशन क्या होता है, सॉरी एफिलिएशन क्या होता है। तो आप लोग को एफिलिएशन में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कोई और कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ कोई कॉलेज खोल देता है, ठीक है, DU का कैंपस से बहुत दूर एक कॉलेज खोल लेता है, फिर वो एफिलिएट करवा लेता है अपना जो कैंपस है उसको, सॉरी अपना जो कॉलेज है उसको DU का यूनिवर्सिटी से। उसके बाद क्या हो जाएगा कि वो जो स्पेशल जो हमारा कॉलेज है वो DU के अंदर आ जाएगा। अब क्या हो, कोई भी वहाँ पे जाके एडमिशन ले लेगा, हाँ भाई मैं पैसा दे दूंगा, मुझे जो डिग्री मिलेगा वो DU का डिग्री मिलेगा, तो वो बहुत वैल्यूएबल डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि एफिलिएशन फ्री हो गया तो हर कोई एफिलिएट करा सकता है जाकर के, तो ये जो है वो थोड़ा यहाँ पे चिंता वाली बात है, चिंताजनक बात है। इसके अलावा यहाँ पे और देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो स्किल प्रोग्राम है वो ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया गया, इसको इंक्लूड करना चाहिए था। स्किल प्रोग्राम्स मतलब क्या कि किस तरह से जो लोग उनका स्किल बढ़ाया जाए रैदर देन उन लोगों का जो मतलब एक बुक का जो नॉलेज होता है उसके अलावा स्किल भी बढ़ाने की बात की गई है, तो उसको एनकरेज यहाँ पे नहीं किया गया। वे हेड यही पे हम लोग को देखने को मिलता है कि अब ऐसा कंडीशन है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बहुत ऐसा सिचुएशन यहाँ पे उठ के आ रहा है, और जो माधव मेनन कमेटी है वो रिकमेंड किया था कि जो ओपन डिस्टेंस और लर्निंग है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे लोग आकर के मतलब अच्छी तरह से पढ़ सके, कि ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, और प्रेजेंट जो ड्राफ्ट है वो ये प्रोविजन को रिटेन करता है, वो प्रोविजन को हटाता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे ये पता चलता है कि हाँ भाई ये जो ड्राफ्ट है एटलीस्ट जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको लेकर के आगे बढ़ने वाला है। 19 में आज का ये क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कमीशन इन लाइट ऑफ द हाई एजुकेशन इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट द ब्रॉड फ्रेमवर्क विच शुड बी अधर्ड टू बाय द पॉलिसी। इसके अलावा देखेंगे व्हाई डजंट इंडिया हैव ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, एग्जामिन व्हाट वुड इट टेक टू ट्रांसफॉर्म हाई एजुकेशन इन इंडिया एनालाइज, तो इसका आपको आंसर देना है। टेस्ट नॉलेज का आज से क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, तो आज ही हम लोग पढ़ेंगे पुलिस और पब्लिक ऑर्डर तो है, पर क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो हाँ दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी जो होती हैं वो एक स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है वो आपका है जो सही आंसर है यहाँ पे। इसके अलावा देखेंगे फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लेकर के कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये कि FDI इनफ्लोज आर हाईली वोलेटाइल एज द कैपिटल कैन लीव द कंट्री ओवरनाइट, और यहाँ पे ये कि FDI इज प्रेफरेबल ओवर डेट फाइनेंसिंग एज इट डज नॉट क्रिएट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। तो दोनों दोस्तों ये जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों ही गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू इन रिगार्डिंग टू FDI एंड FII, तो इसके बारे में कौन कौन सी जो सही है। तो यहाँ पे देखेंगे FDI ब्रिंग्स फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, FII ब्रिंग्स ओनली फॉरेन कैपिटल, तो दोस्तों ये सही है। FII में क्या होता है कि कोई भी इंसान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, तो स्टॉक जो एक्सचेंज होता है उसमें टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट किसी तरह
ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जो FII इन्वेस्टमेंट फ्लोज इनटू स्टॉक मार्केट वेयर एज एन FDI इन्वेस्टमेंट फ्लो डायरेक्टली इनटू प्राइमरी मार्केट, तो यहाँ पे दोस्तों ये सही है, मैंने आपको यही लाइन अभी बताया, FDI इन्वेस्टमेंट्स आर मोर स्टेबल कंपेयर टू FIIs। तो हाँ दोस्तों ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो FIIs जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसके अलावा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखें तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों उसमें FDI जो है वो मोर स्टेबल नहीं है FIIs को लेकर के, क्योंकि ऐसा सिचुएशन है कि ना FII ना FDI दोनों में हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, ये सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि हाँ भाई ये स्टेबल हो सकता है या फिर ये अनस्टेबल हो सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें मेरे ख्याल से ओनली 1 और 2 जो ऑप्शन है वो सही होगा, जो 4 नंबर है वो सही नहीं होगा, क्योंकि मोर स्टेबलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड कर जाता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो चलिए दोस्तों इसको 2 लेके चलते हैं, 2 मान के चलते हैं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो करेक्टली मैच कौन से यहाँ पे किया गया वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक से आया है, सॉरी वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक लेके आता, सही है, चलिए ये तो सही है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो IMF लेके आता, चलिए ये भी सही है। उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो UNCTAD लेके आता, चलिए ये भी सही है। गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आता, चलिए दोस्तों सारे ही सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है सही आंसर। चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है वो चुका करम खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो वीडियो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।